मेरा नाम अनीता प्रसाद है। आज मैं आपको मेथी बेसन अपने तरीके से बनाना सिखाती हूँ। आइए देखते हैं उसके लिए क्या क्या सामान लगेगा। सबसे पहले ये मेथी जिसे मैंने आज धुलकर अच्छे से कट कर लिया है। आइए इधर देखते हैं, ये मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर, ये साबुत धनिया जिसे मैंने पाउडर कर लिया है, साबुत जीरा, राई, थोड़े से बेसन और ये सॉल्ट और कटे हुए लहसुन और एक ग्रीन चिली। सबसे पहले कढ़ाई में हम लोग 3 से 4 चम्मच के आसपास ऑयल डालेंगे, इसमें थोड़ा ज्यादा तेल लगता है, और गरम होने देंगे। गर्म होने के बाद इसमें हम लोग साबुत जीरा डालेंगे, थोड़ी सी राई डालेंगे और अच्छे से क्रैकल आने देंगे। अब इसमें हम लोग ग्रीन चिली को तोड़कर डाल देंगे, उसके बाद ये लहसुन कटे हुए को डाल देंगे। अब इसमें आधा चम्मच के आसपास हल्दी डालेंगे, रेड चिली पाउडर एकदम थोड़ा सा डालेंगे बस फ्लेवर आने के लिए, और इसमें हम लोग मेथी डाल देंगे। अब मेथी को थोड़ी सी सॉल्ट डालकर ढक देंगे एकदम मीडियम टेम्परेचर पर और 5-10 मिनट पकने देंगे। मेथी अब पक चुका है हमारा, इसमें हम आधा चम्मच के आसपास धनिया पाउडर डाल देंगे और इसमें 2 चम्मच के आसपास बेसन डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। ठीक है, अभी बेसन थोड़ा कम लग रहा है इसमें, तो इसमें 1 चम्मच और डालेंगे, भड़बड़ा के ज्यादा हम लोग नहीं डालेंगे। इसे लो मीडियम टेम्परेचर पर अच्छे से पक जाने तक भून लेंगे। ठीक है, अब पक चुका है, आइए अब निकालते हैं। देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है, तो देखा दोस्तों आपने, ये बेसन और मेथी की सब्जी कितनी आसानी से घर पर ही बन गई, मेरी बताई रेसिपी। अगर आपको पसंद आई तो आप मुझे प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।